यूपी के बहराइच में हिंसा हुई, एक शख्स की मौत हो गई, भीड़ बेकाबू हो गई, हिंसा पर उतर आई, आगजनी करने लगी, पुलिस एक्शन में आ गई, इंटरनेट बंद कर दिया। लखनऊ से सरकार ने निर्देश दिए तो अफसर गाड़ियों में भरकर बहराइच पहुंच गई, तमाम पुलिस तमाम फोर्स बहराइच पहुंच गई। अब वहां हालात सामान्य होने लगे हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब कोई हिंसा, जब कोई दंगा, जब कोई बवाल खत्म हो जाता है तो पीछे क्या छोड़ जाता है? पीछे रह जाता है दुख, आंसू, दरवाजों की सदों से झांकते बच्चे, बंद दरवाजों के पीछे रोती औरतें, पुलिस का एक्शन महसूस करते मर्द और कोर्ट कचहरी के अंतही चक्कर। इस सब के बीच दुनिया अपने मोबाइल में खबर जानना चाहती है। तमाम लोग अपने अपने हिसाब से नैरेटिव बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे होते हैं, लेकिन अमर उजाला के दर्शक सच और अधूरे सच के बीच का फर्क जानते हैं, जानते हैं कि अधूरा सच कितना खतरनाक हो सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको एक बार फिर वही सच बता रहे हैं, कि आखिर बहराइच में हुआ क्या था। मेरा नाम है कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि इस मामले में गुरुवार को एक एनकाउंटर भी हुआ है। इस एनकाउंटर में दो आरोपियों को गोली लगी है। जिन लोगों को गोली लगी है उनके नाम सरफराज और तालीम है। एनकाउंटर को लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि आरोपियों ने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाब दिया। इस मुठभेड़ में दोनों आरोपी घायल हो गए हैं। बहराइच हिंसा मामले में यूपी पुलिस ने एनकाउंटर के बाद मुख्य आरोपी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा कि ये सभी हिंसा के आरोपी हैं। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। अब ये ट्वीट देखिए, ये बहराइच पुलिस का पोस्ट है। इसमें साफ साफ लिखा है कि 13 तारीख को एक हिंदू शख्स की हत्या हुई, लेकिन करंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना जैसा कुछ नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि मौत गोली लगने की वजह से हुई है। पुलिस ने यहां यह भी लिखा है कि सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ऐसे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला। एक विभागीय सूत्र ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक रामगोपाल मिश्रा के शरीर में 30 से 35 छर्रे धंसने की पुष्टि हुई है। गोली के छर्रे मृतक के चेहरे, गले और सीने में धंसे मिले हैं। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि उसे 3 से अधिक भरुआ कारतूस मारी गई हैं। गोली मारने से पहले मृतक की जमकर पिटाई भी की गई है, जिससे मृतक के शरीर में कई चोट के निशान हैं। मौत का कारण हेमरेज बताया गया है। अब आपको बताते हैं कि बहराइच में इस वक्त हालात कैसे हैं। बहराइच में इस वक्त भी सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात है। एडीजी गोरखपुर जोन केएस प्रताप और कमिश्नर शशि भूषण लाल समेत तमाम आला अधिकारी कैंप कर रहे हैं। घटना के बाद अब तक 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 55 से अधिक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि हिंसा प्रभावित इलाकों में दुकानें खुली रहीं और स्थिति सामान्य रही। लोग बेखौफ बाजारों में निकले और रोजमर्रा के जरूरी सामान खरीदते दिखे। ऐसी खबरें हैं कि रविवार से लेकर सोमवार तक के पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भारी लापरवाही सामने आई थी। एसपी ने हरदी थाना प्रभारी सुरेश वर्मा और मैसी चौकी प्रभारी को तत्काल निलंबित कर दिया था। इस दौरान
विसर्जन में शामिल लोगों ने सीओ रुपेंद्र गौड़ पर भी लापरवाही समेत गंभीर आरोप लगाए थे। इसका संज्ञान लेकर शासन की ओर से सीओ को भी निलंबित कर दिया गया है। वहीं रामपुर से आए रवि खोखर को मैसी की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि जहां बाकी बहराइच की स्थिति सामान्य है, वहीं विवाद का केंद्र रहे महाराजगंज कस्बे में स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है। कस्बे की दुकानें बुधवार को भी बंद रहीं। पूरे बाजार में सिर्फ एक मेडिकल स्टोर खुला रहा और चंद लोग ही नजर आए। हर तरफ सिर्फ पुलिस, पुलिस के वाहन और पीएसी के जवान ही नजर आए। वहीं मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर के बाहर परियोजना निदेशक अरुण सिंह और बलरामपुर के एसपी समेत सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। कस्बे में अब भी 12 कंपनी पीएसी, 2 सीआरपीएफ, आरएएफ और 4 सीनियर आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की गई है। खबरों के मुताबिक बहराइच से जुड़े हर अपडेट पर सीएम योगी खुद नजर बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं पुलिस के एक्शन की। पुलिस ने हिंसा को रोकने के लिए और हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए क्या कुछ किया? रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार तक जिले में दोनों समुदायों पर कुल 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं 50 से अधिक लोगों को पुलिस ने अब तक जेल भेज दिया है। हरदी थाने में 10 मुकदमे दर्ज हुए हैं। हरदी थाना प्रभारी कमल शंकर चतुर्वेदी ने बताया कि पहला मुकदमा अब्दुल हमीद समेत 6 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखा गया था। इसके बाद हुए उपद्रव को लेकर अज्ञात भीड़ पर भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बुधवार को मैसी तहसील के सभागार में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में स्थिति जल्द सामान्य करने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद डीएम ने बताया कि 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगजनी के दौरान कितना नुकसान हुआ इसका भी पता किया जा रहा है और तमाम हिंसा पीड़ितों को खाना भी पहुंचाया जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।